हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कैसे जो अमेजन गिफ्ट वाउचर जो है आप बैंक अकाउंट में कैसा ले सकते हैं। गिफ्ट वाउचर में जितना भी अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में कैसा ले सकता है। जो कस्टमर केयर से मैं बात करके मैंने ऑल डिटेल्स मैंने इंक्वायरी किया है, तो ये जो है गिफ्ट वाउचर बैंक में आता है कि नहीं आता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं वीडियो में दिखाऊँगा जो अमेजन गिफ्ट वाउचर बैंक पर आता है कि नहीं आता है, तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं वीडियो में फुल प्रोसेस दिखाऊँ। और सबसे पहला आता तो मैंने जो है कस्टमर केयर से बात भी किया है, वो क्या बात किया वो मैंने आपको जो है मैं रिकॉर्डिंग भी किया, मैं आपको सुनाने वाला हूँ प्रूफ। सबसे पहला आपको मेरा ऑडियो जो है मैं सुन लेता हूँ, मैं चलो पहला ऑडियो प्ले कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अमेज़न ग्राहक सेवा को कॉल करने के लिए धन्यवाद। यह कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है, कृपया होल्ड करना जारी रखें। हमारे एक ग्राहक सेवा एजेंट शीघ्र ही आपके साथ होंगे। बात कर रही हूँ। हेलो जी। हेलो हेलो मैम, मेरा नाम पूजा सामंता है जी। मैम मुझे मेरा वॉलेट गिफ्ट वाउचर है 1,500 रुपया। ओके okay. तो मुझे उसको बैंक पर लेना है, तो कैसे ले सकते हैं? मैं देखती हूँ। ₹1,500 जो अमेज़न पे वॉलेट में है उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना? यस, मुझे उसको बैंक पर ट्रांसफर करना है, तो एक्चुअली मुझे पैसे का बहुत जरूरत है, तो पैसे को कैसे बैंक पर ले सकते हैं? मैं देख लेती हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिए डिटेल्स चेक करने के लिए। यस मैम। यस मैम, तो आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकूंगी। यस मैम, थैंक यू। लाइन होल्ड करने के लिए धन्यवाद। बोलिए मैम, आपके जो अमेज़न पे वॉलेट में जो ₹1,500 जो हुआ है वो ऐड है, वो गिफ्ट कार्ड हुआ है जिसे मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ। तो उस बैलेंस को, गिफ्ट कार्ड बैलेंस को है ना सर, आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, जिससे आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करने में, रिचार्ज करने में, बिल पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं। सेकेंड, अब स्विगी है, जोमेटो है, माई बुकिंग है, ड्रीम 11 है, उबर है, ऐसे बहुत सारी साइट है जहाँ पर भी ये पेमेंट वगैरह पे करने में आप यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब मैं बैंक पर नहीं ले सकता है ना? गिफ्ट एंड क्रेडिट बैलेंस को है ना सिर्फ इस ऐप को यूज करने के लिए रखा गया होता है, जिस रीजन से वो ट्रांसफर नहीं होता है। अगर अमेज़न पे बैलेंस में आपका कोई मनी बैलेंस एडिट होता है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम जी। और कोई कंफ्यूजन, कुछ इश्यूज हो तो पूछिए। ठीक है, मुझे वही जानकारी। मैंने दिराजा मेरा वॉलेट पे आया, उसको मैंने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारा कोशिश करो, बट नहीं कर पा रहा, इसके लिए मैं कस्टमर केयर को कॉल लगाऊं जी। थैंक यू सर, उम्मीद करूंगी आपकी प्रॉब्लम समझ पाई और आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाई। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अब मेरा रिकॉर्डिंग सुन ले रहेगा जो कस्टमर केयर क्या बात किया है। एक्चुअली जो गिफ्ट वाउचर है कभी भी बैंक पे आता ही नहीं है। आप बहुत सारा वीडियो ने देख लिया होगा जो अमेज़न गिफ्ट वाउचर, बहुत सारा वीडियो हर रोज देखते रहे कैसा बैंक में ट्रांसफर करे। जो भी कोई प्रोसेस बताया एकदम लीगल नहीं है, अनलीगल है दोस्तों। मैं एक बता दूँ, जो बैंक में जो है अमेज़न गिफ्ट वाउचर बैंक में कभी भी नहीं आता है। ये जो क्या है, आप मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल, DTH का रिचार्ज मार सकते हैं और पानी का बिल भर सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, बट ये जो है बैंक पर नहीं आता है आएगा। मैं कस्टमर केयर से ही बात किया है, अब मेरा रिकॉर्डिंग सुन लिया रहेगा और रिकॉर्डिंग भी आपको बताया रहेगा। रिकॉर्डिंग में कस्टमर केयर भी यही बताया, यही जो है बैंक पर नहीं आता है। ठीक है, आप ऐसा फ्रॉड का चक्कर मत पड़े, बेकार फालतू के टाइम वेस्ट मत करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलता है कोई दूसरा वीडियो को लेके, तो जय हिंद, वंदे मातरम।